जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकमल अंग्रेज़ी वाला आपके साथ मौजूद और मेरे साथ हैं यहाँ पर मेरी स्टूडेंट्स जो बैच 11 के स्टूडेंट्स हैं, जो रात को 8 से 9 बजे क्लास शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1 अगस्त को, 1 अगस्त को शुरू हुई और आज हम बैठे हैं 20 सितंबर पर, यानी 1 महीना और 20 दिन के हमने ये सेशन लिया है। इसमें सैटरडे संडे जो थे वो ऑफ हो गए, तो वो निकाल के आप बाकी करें तो तकरीबन 35-37 डेज की क्लास बनती है जो इन स्टूडेंट्स ने मुझसे ली है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी हम उस क्लास में से रिकॉर्डिंग हम डाल रहे हैं। वैसे तो हर रोज़ ये जो अभी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स कर रही हैं, अपनी गुफ्तगू कर रही हैं, अंग्रेज़ी में बात कर रही हैं, ये हर रोज़ ही करती हैं और जैसे जैसे ये किए जा रही हैं इनकी अंग्रेज़ी पहले से बेहतर, इनकी जो झजक है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और इनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। याद रहे कि इनको पहले 1 महीना सिर्फ मैंने लिसनिंग करवाई है, बार बार बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ी के सुनवा सुनवा के इन सब के कानों में से गुजारी हैं, ताकि जब मेरी लिसनिंग करवाने के बाद उनको और भी कोई चीज़ लिसन करना पड़ती है तो ऐसा ना हो कि उनको लगे कि सर अकमल की हमें ज़रूरत पड़ेगी वरना हम खुद नहीं कर सकते। तो आई हैव प्रीपेयर्ड देम कि किसी भी सिचुएशन की इनके सामने लिसनिंग आए, कोई मूवी चल रही हो, कोई कार्टून चल रही हो, कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही हो, कोई टॉक चल रही हो, कोई म्यूज़िक चल रही, तो उसके सुनने के काबिल हो जाएं। काफ़ी हद तक ट्रेनिंग होगी है, लेकिन लगातार मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मज़ीद सुने ये, ताकि इनका जो कॉन्फिडेंस है और स्टाइल है वो मज़ीद बढ़े, बेहतर हो। लेकिन जो अभी तक इन्होंने 1 महीने तक जो ट्रेनिंग ली है, सुना है, उसके रिस्पॉन्स में ये क्या बोलने के काबिल हुई हैं। अब इनको बोलते हुए भी 5-6 दिन हो गए हैं अभी, यानी अभी तकरीबन हमने 20 दिन और बोलना है। अभी आपको तब का भी लेवल मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आज इनका जो स्पीकिंग का लेवल है, यानी 35 दिन की क्लास लेने के बाद इनका लेवल क्या है। आप इन स्टूडेंट्स को देखें कि टोटली तौर पर ये सब मेरे स्टूडेंट्स जो वो दे आर टॉकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश। इनका स्टार्टिंग में जब आए थे तो किसी का लेवल ये था, किसी का लेवल ये था, बोलने नहीं आती थी किसी को, बट दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग एंड दे आर टॉकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश। ये गुफ्तगू करने के काबिल हो गए हैं और ये आपको ये भी बताएंगे अपनी कॉन्वर्सेशन के दरमियान में ही, बल्कि आप कॉन्वर्सेशन के दरमियान में आप लोग उर्दू में बताइएगा इन सब नए दोस्तों को कि आपका सीखने का तजर्बा कैसा रहा है। जो कि YouTube पर लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज़ के प्लान में है कि हम कहाँ से सीखें भी ऑनलाइन ना सीखें, ऑनलाइन क्लास का कोई फ़ायदा होती है भी कि नहीं होता। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं आप अपना तजर्बा भी शेयर कीजिए नए देखने वालों के लिए। तो आप सब लोग जो YouTube पर हैं, इनको मैं इनका माइक ऑन करता हूँ, आप लोग इनको देखिए कि ये कैसे बात कर रहे हैं और इनका लेवल कैसा पहुंचा है, और इनके कॉन्फिडेंस से, इसके फीडबैक से आप भी समझिए। तो आप लोग माइक खुलें आपके जी, सब लोग आप बात करें एंड कैरी ऑन द कॉन्वर्सेशन। जब आपका जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा, सब दोबारा आ जाइएगा, बट आप कैरी ऑन टॉकिंग वट एवर टॉपिक, आप जो भी बात करें कैरी ऑन टॉकिंग। मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये टॉपिक आपने कब भरना है, कोई प्री प्लान टॉपिक नहीं है, कोई भी जो बात जहन में आए एक दूसरे से सवाल करो, एक दूसरे से गुफ्तगू करो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो और आपका लेवल पहले से बुलंद हो। सो एवरीबॉडी कैरी ऑन, थैंक यू। Aksa, can you please tell me how long has your husband been out? Excuse me? I said, how long has your husband been out? Here is an instruction for everybody. Do not touch your microphone. Whatever you talk, but do not touch your microphone because that creates a problem in the voice. Speak whatever you can without touching your mic. Carry on. Okay, sir. My husband, yes. Yeah. What did you say? Yeah. How long has your husband been out? My husband leave. How many years? 15 years ago. Okay. 15 years ago, they live in England. Yeah. Yes. Okay. And Huma, what's about you? My husband is starting living in UK. All family. Okay.
All family settle in the UK. Okay. Malika, hello. Hello. Yes. Hello, Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. How are you? I am fine. Good. And how? And you? I'm Alhamdulillah. I'm good. I'm great. What about you? Thank. Do you speak English? Sorry, please. Do you speak English? Yes. Are you Myra? Yes. And you? I'm Malaika. So please, don't hesitate. Please, carry on. Yes. Where are you from? I'm from Jeddah, Saudi Arabia. And what about you? Where are you from? Sindh. Okay, before I ask you this question. So in which class do you study? Ninth class. Okay. Yes. Good. Great. You married? Yes, I'm. Yes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. I like you too. And nowadays Malaika is so happy because he's coming in Pakistan. I said nowadays Malaika is very happy because. So, yes, yeah, she seems so happy. Yes, of course. Yes, of course, I am. You're absolutely right. So, whose mic is creating a problem, sir? Yes, cool. But I tried. Don't touch. Aksa, when you go to England. I don't touch. Malaika, do you see? Aksa, when you go to England. Aksa, I talk with you. I will next 2 months. Next 2 months. In England, London City. You go to London City? Yeah. London City. Yeah. London City is a big, huge city. Excuse me. Listen to me, please. Yeah. Who is going to... It's a marvelous city. Hello? Who is going to England? Who is Aksa. Aksa and Huma. Aksa and Huma? Yeah. Okay, great. Okay, please carry on. I'm 2 years ago. Go there, England. I'm and going to okay. England. Please. Okay. As in Belgium is a when you go Belgium, you see most mini Europe is very beautiful. It's small, very beautiful. Hello. Please listen to me. You say yes. I'm going to England, and coming yes. 2 months. After coming 2 months, yeah. After 2 months, like this, you can say. Oh, like, really? Yeah. Covered, see. I'm saying that. Please say it like this. I'm going to England after 2 months. Easy to say. Okay. Oh, really? No. Thanks. What do you see? She wrong understand. Yeah. It's not your problem. It's my problem. Mike is problem. Somebody, Mike is problem. It's not mine. It's not. Maybe it's not. Everybody check the mic. Please. Please, Mike, purple up.
Close your mic. It's creating problems. Please. Try to understand. How much your brother and sister and mother-in-law? Who's mine? I have two brothers and one sister. My sister-in-law in UK. You lived in UK. My sister, please listen to me. Say, my sister-in-law living in UK. Okay, sorry. And mother-in-law, UK. Where is living mother-in-law? All families live in UK. Okay. My mother-in-law is this time is passed away, but she's very nice woman. I learned too much. My mother-in-law passed away because she was a nice woman. I learned too much. Excuse she me? Learned, she teach me too much things. Oh, yes. Okay. Good. Yes, Mayra. Malika, what do you want today? I want to go outside today because I want to buy something for my niece and my nephews. Okay, sir. जी दोस्तों, तो जो क्लास जो आपने देखी है, जो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं बात करते हुए, इन लोगों ने 35 दिन की तकरीबन अभी मेरे से क्लास ले ली है, और 35 दिन की क्लास लेने के बाद ये इस लेवल तक पहुँचे हैं कि अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर सकते हैं, टूटी फूटी कर सकते हैं। मुझे भी पता है, मैं तवक्कुआत भी यही रखता हूँ। मैं नहीं सोचता कि अच्छा जी 35 दिन की क्लास लेने के बाद कोई चैम्पियन हो जाएगा। चैम्पियन तो फिर बंदा इंसान वक्त के साथ होता है। जब आप ट्रैक पर चढ़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप मंजिलों को पहुंच जाते हैं। तो आपको ये जो स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं मेरे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले दे जस्ट ट्रस्टेड मी। जैसे आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, उसी तरह इन्होंने भी यूट्यूब पर मुझे देखा, एंड दे ट्रस्टेड इट, और ट्रस्ट करके उन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अभी 35 दिन का सेशन के बाद दे हैव रीच्ड एट दिस लेवल के दे आर टॉकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश। सो आई वांट यू टू लिसन देम। आप इनको सुनिए ये कैसा बोल रहे हैं, और इनके बोलने से आप भी अंदाज़ा लीजिए कि आपको जो यूट्यूब पर देखने वाले दोस्त अहबाब हैं, आपको क्या लगा है कि ऐसी क्लास अगर आपको भी मिल जाए तो आप किस लेवल तक पहुँचेंगे। और आप में से जो दोस्त हैं, आप प्लान करें कि वो मेरे साथ लाइव क्लास लेना चाहें, तो मेरे नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। आप उन पर रابطہ करके आप मेरी ऑनलाइन क्लास जो है उसके साथ एनरोल कर सकते हैं, और आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरी ऑन एवरीबडी, कीप ऑन टॉकिंग, आई एम लिसनिंग यू। मैं बैक एंड से आपको सुन रहा हूँ, सिर्फ मैं पार्टिसिपेट दरमियान में इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा खुल के बोलने का। मैं शायद मेरी मौजूदगी में आप झचक के बोलेंगे, तो हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कैरी ऑन। Yes. I want to ask a question, please. Yes. Can I disturb them? Can I interrupt them? Because you can interrupt them. This is the class for interruption. You can interrupt as much as you can, but one person at a time. Make sure that when you're talking, one person talks at a time. If multiple people speak at the same time, it becomes a mess, and we don't get a word of the conversation. Okay. So one person at a time. You can interrupt on the way, but one person at a time, right? Okay. And only the person who is talking will open the mic. Others will keep the mics off and do not touch the mic and sit in a very silent room. Okay. Right? Carry on. Okay. Oh, sir, got it, sir. Okay. Got it. Yes, carry on, guys. Okay, hello, sir. I think here is no
boys and every girl. So I want to talk to you, but you don't give me chance. So please give me chance, every person. Malika, excuse me. Please, I'm waiting for my chance. Give the Yakub bhai. Yes. Okay. Please, Yakub bhai, don't. I am waiting half hour, but you are speaking, but you give me no chance, so I am very. Please, now your turn, Yakub bhai. Now your turn. Yakub bhai, I am so sorry. Okay. Oh. Now your turn, Yakub bhai. Yes. Malika, Maria, please silent. 1% talk with me. Sister Kiran, carry on. Okay, he's asking somebody to engage with him. Yakub is asking you. Yakub is asking you that somebody, Kiran, you engage Yakub and ask him some questions, engage him in the conversation, and so you do with everybody else. You can engage Aksa, you can engage Huma, Uruj, Tayyiba. Okay. One person questions, another person answers. So that's how the conversation carries on, right? Okay, sir. Carry. Yes, Yakub bhai. Kiran is here. You can question me, so I will answer you. Okay. So let's go. You ask? Yakub bhai, which class do you study? Yes. I read in class inter. Okay. Which subject? My favorite subject is English. Okay. And what's your future plan? What's your dream? Yes, you are good question. Okay, tell me about something. Yes, I want to be a best motivational speaker, na? Wow. I will help those people who need me. Okay, wow, nice. So now my English is some weak, so inshallah I practice every day, so I'm not sad, so inshallah I have to, my God, I will improve my English sometime. Inshallah Yakub bhai. Inshallah. Because my mother every time, every prayer with it, so give me prayer, to my mother prayer with Yakub bhai, every mother wants to her child successful. Yes. Yes. My mother help me every time. Who love me? She loved me. Yes. Good, nice. Now carry on, be struggle. Inshallah, one day your dream is fulfilled. Yes. I save my mind. One word sir said to us. I can and I will. Inshallah. Yes. So I'm not sad. So I ask you? Yes, of course. Where are you from? I'm from Rawalpindi. Basically? No, basically I'm from Mari. Mari, okay. Yes, I'm studying. For studying, we live in Rawalpindi. Yes, good. Yes. Rawalpindi, inshallah, I will come there. Why not? Welcome. Okay. How old are you?
Yes. Okay. Good. Good. You. I thank you. That you chance me. Mari is good place. Beautiful Mari, place. Not good. Much beautiful place. Why? I go there. Dessert. I like that. I dance. Narabka, beautiful city. Drive is there is drive is hard, but it's beautiful scene. It's very beautiful place, Mari. Yes. Mari Narabka. I like the Mari. I stay there is 1 week. I like that. I'm not go there. I am not the Mari is not a driver. Not me drive, but my brother is a driver. Drive is scary. Driving is scary. Scary driving. No, I am right. Nowadays Mari road is much better. Road is I don't like a scary road. But other visit area. Like city? What do you want to say? My dream is I go everywhere, every world, every country. What do you want to say, please? Yes. What do you want today? I'm going to outside for shopping. Yes. And you? What is your plan right now? Yeah. Have you eaten your dinner yet? Have you eaten your dinner yet? Yes. What did you eat? Why? What do you eat? What did you eat, I said? Like it. Eat this. Thank you very much. Rice. Okay. Rice with the gravy. Rice you can cook. Rice and dal. Okay. And this. My favorite food. Lentils. You give me some. Can you give us? Can you give us? Can you share with us? You have more dal chawal? Yes. No. What dal chawal? I don't understand. No, it's a famous in our country. Please. Okay. You tell. A national flower of Pakistan. Yes. Here in Saudi Arabia. All Pakistani like this. Okay, dish. Now you Saudi Arabia. Basically, you live in Pakistan. Pakistan. So I'm from Pakistan, my dear brother. Okay, so you should remember. So what flower? What national flower of Pakistan? You tell me. Sorry. National flower of Pakistan. Jasmine. Chambeli. Jasmine. I ask you a question in English. So you should answer me to English. Understand? I say Jasmine. Yes. Jasmine, you are right. Good answer. Okay, good. Thanks. Yaku. Yes. I want to ask some question from you. In which program do you study in? Malanga. Yes. I'm sorry. Lightfoot.
Yakub, are you here? Yes, I am here. Please speak one by one. In which program do you study? In inter? Yes. I study English program and night. Yakub bhai. I say inter. In which program do you study? In inter is ICOM or ICS or pre-engineering? Which one is? Engineering. Pre-engineering. Engineering. Yes. Oh. I'm doing pre-engineering. Okay. I very interest in which study. Eleven, yes sir. Yes sir. Sir, you can guide, please. But yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. 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 तो मैं जो बोल रहा था दरमियान में, मेरे ख्याल है उधर मेरी रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं गई, बट गाइज वर लिसनिंग मी बिकॉज दिस माइक वॉज ऑफ, दैट्स वाई दिस हैज़न्ट गॉन इन रिकॉर्डिंग. ये जो मैं अभी थोड़ी देर में बोला ये रिकॉर्डिंग में नहीं गया, बट आप लोग सुन रहे थे. बहरहाल आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द यूट्यूब एंड फेसबुक फेलोज हु आर वॉचिंग अस ऑन इंटरनेट. बस मायरा खामोश रहें, ये ऐसा नहीं करें. राइट, आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो सो दैट the new students who are watching us on internet, they can get an idea how are we teaching. तो ये जो 35 दिन मेरी स्टूडेंट्स ने ये क्लास ली है, बैच 11 वालों ने, उनकी 35वें दिन तक के बाद हमने एक रिकॉर्डिंग आपको दी है. दो के ये स्टूडेंट्स तो हर रोज़ ही आ रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ रैंडमली डेज की हम रिपोर्ट जो है वो यूट्यूब पर डालते हैं, ताकि इंटरनेट पर देखने वाले साथियों को आइडिया हो जाए कि जो पिछले साथी हैं, जो पहले आए थे सीखने के लिए, उनका कैसा तजर्बा रहा है. सो यू हैव सीन, यू हैव वॉच्ड सम वीडियोस एंड यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया. तो आप भी जो दोस्त पर इंटरनेट पर हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं भी और, तो इन वीडियोज से ये 35 दिन की क्लास का रिजल्ट है कि ये स्टूडेंट्स आपको 35 दिन की लर्निंग के बाद बोलने के काबिल मिले हैं. दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश एक्सेलेंट. वो मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँगा. मेरे सामने मैं खुद सारी ज़िंदगी सिखाऊं और ये सब सारी ज़िंदगी सीखें, तब भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँगा, क्योंकि जो हदीस पाक है कि तालिब इल्म और तालिब दुनिया कभी भी सैर नहीं होते, उनकी लगातार प्यास जारी रहती है. तो मेरी तसल्ली तो कभी नहीं होगी. बहरहाल देव स्टार्टेड टॉकिंग एंड अगर ये जैसे इनको गाइड किया है, जैसे ट्रेन किया है, उसी तरह ये लिसनिंग करते रहेंगे और जो लिसनिंग की ट्रेनिंग दी है उसी तरह ये लिसनिंग अब खुद से करते रहेंगे और ख़ुद से कॉन्वर्सेशन में एंगेज रहेंगे. अभी तो कुछ दिन ये मेरे साथ ही मेरे सामने ही कॉन्वर्सेशन करेंगे ताकि मज़ीद इनका कॉन्फिडेंस बने, मज़ीद सबका जो है
जो फियर जो है ख़त्म हो। लेकिन आई रेकमेंड कि जब आपकी क्लास ख़त्म भी हो जाए तब भी आप जो क्लास फेलोज़ हैं वो आपस में कन्वर्सेशन जारी रखें, ताकि जितना आप एंगेज रहेंगे कन्वर्सेशन में आपका जो फ्लुएंसी है, आपका जो स्टाइल है, आपके जो लैंग्वेज में जो स्टाइल है वो बनता जाएगा। और ना सिर्फ अपने क्लास फेलोज़ के साथ आप बात करें, बल्कि कोई भी आपको मिले आप अंग्रेज़ी में उससे बात करें। ये भी लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ अपने पाकिस्तानी स्पीकर्स के साथ बोलें। नाउ यू आर रेडी, यू आर ओके, यू आर वंडरफुल टू टॉक टू एनी स्पीकर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी किसी भी खत्ते से कोई अंग्रेज़ी में बात कर रहा हो तो आप उन्हें समझने के काबिल हैं और आप उनसे बात कीजिए। बस एक वहम होता है कि मैं बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो वहम बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके वो आपका वहम दूर हो जाएगा। तो सब लोग बोलते रहिए, जो आप मेरी क्लास में हैं वो भी सीखते रहें और बोलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करते रहें, जो मैंने ट्रेनिंग दी है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते रहें। और जो दोस्त अहबाब हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या इंटरनेट पर देख रहे हैं, तो यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम इस वीडियो से, आप आइडिया ले सकते हैं कि मैं इन क्लासेस के मुख्तलिफ फेजेस पर, पहले दिन की क्लास, दूसरे दिन की, पाँचवें दिन की, 20वें दिन की, 30वें दिन की, 35वें दिन की, ठीक है 40वें दिन की, ये क्लासों में से रेंडमली कुछ जो रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं। क्लास तो हर रोज़ हो रही होती है लेकिन कुछ को रिकॉर्ड हम करते हैं, ताकि जो लोग क्लास का हिस्सा भी नहीं बने उनको अंदाज़ा हो कि हम कैसा पढ़ा पाए और स्टूडेंट कैसा सीख पाए। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए, आप भी लोग भी चाहते हैं कि आप सीखें, इन सब स्टूडेंट्स की तरह लाइव आके मेरे साथ सीखें, तो आप भी मेरी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और आप भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। एडमिशन लेने का तरीका जो है, स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल हैं व्हाट्सएप के, आप उन नंबर्स पर रब्ता करके आप भी अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और अगला बैच जो है 7 से 8 बजे 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, 7 से 8 बजे बैच नंबर 14 जो है वो दिन में हो रहा है, और 15 जो है वो बैच नंबर 15 शाम को 7 से 8 बजे नया शुरू होने वाला है 1 अक्टूबर से। लेकिन शायद जिस दौर में आप देख रहे होंगे वो पता नहीं किस साल के किस दौर में देख रहे होंगे, बट आप भी सीखना चाहें तो यू कैन जॉइन द क्लासेस एंड स्टार्ट लर्निंग। तो आपसे दोबारा अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।